नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से सीजन टू। आज हम मिलेंगे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस भी करती है, और वो पर्सनालिटी का नाम है ज्योति राजभर। और आज हम उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। ज्योति जी, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। नमस्ते, थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ बुलाया। इट्स अवर प्लेजर। ज्योति जी, हमने सुना है आप बीकॉम और फैशन डिजाइनिंग दोनों साथ में करते हो। जी हाँ। आप कहाँ से पढ़ाई करते हो ये दोनों चीज? मैं फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई बोरीवली एनवीसेज इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से कर रही हूँ, और मेरा बीकॉम की स्टडीज मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। अच्छा, आप डिस्टेंस स्टडी करते हो। सो दोनों स्टडीज जो आप करते हो, बीकॉम और फैशन डिजाइनिंग, सो दोनों की पढ़ाई आप कर पाते हो? यू नो, डिफिकल्ट होता है दोनों को मैनेज करना, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ पोर्शंस रहता है, हैवी पोर्शंस रहता है। हाँ, बट अभी दोनों स्टडीज कंप्लीट करनी है एंड जहाँ करने की राह होती है वो हो ही जाता है। अच्छा, आप स्टडीज के अलावा मैंने सुना है आप टीचर भी हो, एक आर्ट टीचर हो स्कूल में। आर्ट टीचर हूँ इक्वल मॉडल वर्ल्ड स्कूल में। ओके, एंड क्यूट बच्चे लोग को आर्ट्स वगैरह सिखाते? प्राइमरी फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड फाइव। ओके, दैट्स अ फुल टाइम जॉब रहता है आपका। तो फुल टाइम जॉब के साथ बीकॉम करना, फैशन डिजाइनिंग भी करना, सो इट्स लाइक अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। सो हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग? आर्ट तो मेरा बचपन से ही मेरा पैशनेट है, मैं उसमें मुझे बचपन से ही आर्ट बहुत करना पसंद है, इसके लिए आर्ट इंडस्ट्री में मैंने किया। एंड आर्ट टीचर के साथ मैं उसको एंजॉय भी करती हूँ एज इट इज, मतलब वो मेरा पसंदीदा है, इसके लिए मैं उसको बहुत एंजॉय भी करती हूँ। एंड उसके बाद ही आफ्टर स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहीं पे पढ़ाई कर लेती हूँ, थोड़ा घर आकर पढ़ाई करती हूँ। वाह, थोड़ा बहुत आप बहुत पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो फैशन डिजाइनिंग आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना? एनी कनेक्टिविटी फ्रॉम योर फैमिली टू फैशन? यस, मेरे डैड आइडल पर्सन है मेरे। हाँ, वो उनको मैंने बचपन से ही स्टिचिंग करते हैं, वो मेंस के लिए पूरे डिजाइन करते हैं। ओके, तो वो सिर्फ मेंस के लिए चाहे, तो मैं पापा के साथ मिलकर फीमेल्स के लिए भी डिजाइन करना चाहती हूँ, एक अलग जो नॉर्मल अवेलेबल कुछ न्यू क्रिएट करना चाहती हूँ इसके लिए। फैशन डिजाइनिंग वेरी नाइस, यू नो, यू मतलब आप बचपन से देखते हो स्टिचिंग वगैरह, सो यू हैविंग अ उसके गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज आपके पास कि फैशन डिजाइनिंग में ऐसा करना है। सो नाउ व्हाट, आप आगे क्या प्लान कर रहे हो? अभी तो मैं फिलहाल मेरी स्टडीज कंप्लीट कर रही हूँ। स्टडीज कंप्लीट होते ही मुझे मेरा एक खुद का ब्रांड ओपन करना है विद द नेम ऑफ द राजभर फैशन हाउस एंड एक्सेसरी। ओह वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल, यू नो, इट्स लाइक अ बीइंग सो यंग एंड आपने इतने सारे यू नो पढ़ाई के साथ साथ इतने सारे क्रिएटिविटीज भी आपके साथ है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। प्लस मैं मेरा फैशन शो भी हुआ था, एक मुंबई में हुआ था, एक पुणे में हुआ था, एंड उसमें भी मैं पुणे के उसमें फर्स्ट आई हूँ। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। एंड हमारे साथ आप ज्वाइन कर रहे हो जश्न टैलेंट के साथ। जी हाँ दर्शकों, जश्न टैलेंट का 16 जुलाई को जश्न फैशन आइकॉन होने वाला है, जिसमें एक राउंड में ये हमारे डिजाइनर्स है। सो वॉच अस ऑन 16th of July, वी आर कमिंग ऑन जश्न टैलेंट चैनल। सो और आप फैशन डिजाइनिंग में आप स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए या मेंस के लिए ऐसा है, या यूनिसेक्स करने वाले हो डिजाइनिंग? करना तो यूनिसेक्स ही है, बट अभी विद जिस स्टडी लेवल पे हूँ वहाँ पे अभी सिर्फ फीमेल्स वेयर चल रहा है, तो मैंने फीमेल्स वेयर सीखना और उसके ऊपर ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब मेल सीखूंगी तो उसके ऊपर भी काम चालू कर दूंगी। ओके, मतलब यू आर लाइक ए मल्टी टास्कर, आई मस्ट से के बिजनेस वुमन, यू नो, इतनी सारी वैरायटीज आपने बनाई। और आप आर्ट्स में कुछ करना चाहते हो? आर्ट्स में आप बच्चे लोग को तो स्कूल्स में आर्ट्स वगैरह सिखाते हैं, उसके अलावा व्हाट यू डू मोर इन आर्ट? आर्ट में मेरे मुझे बिजनेस का पहले से ही बहुत शौक था, और कार्ड्स एंड ड्राइंग तो मुझे बचपन से ही पसंद है, इसके लिए मैंने 3 इयर्स बचपन से क्या पसंद नहीं बताया मेरे को, आई मीन दर्शकों ये सुनना जरूरी है, यू नो, बिकॉज बचपन से ये स्टिचिंग वगैरह सीख करती है, इट्स नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, एंड बचपन से ड्राइंग कर रही है, मतलब वो बहुत सारी चीजें है कि शी इज डूइंग, एंड आई एम रियली, आई मीन एम्प्टी बैठना पसंद ही नहीं था, तो जो मिल रहा था उसमें ही मैं कुछ ना कुछ करता रहती थी। रियली आई एम अमेज्ड टू सिट विद यू, यू नो, कि आप एक यू नो एक रोल मॉडल हो, कि आप एक टाइम अपना वेस्ट नहीं करती, एक सेकेंड भी शी इज नॉट वेस्टिंग, एंड वो कुछ ना कुछ नया करती है, नया सीखती है, एंड पढ़ाई भी बोले तो बीकॉम एंड फैशन डिजाइनिंग, वो दोनों वास्ट सब्जेक्ट है साथ में करना, तो इट्स रियली अ बिग थिंग। एंड कार्ड्स में आप
पेंटिंग भी करते हो? हाँ, पेंटिंग्स करती हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स प्लस दिवाली पे, दिवाली के ओकेजन दिया कैंडल्स बनाती हूँ, रक्षाबंधन पे राखीज बनाती हूँ, हैंडमेड राखीज, रेसिन आर्ट, फिर कार्ड्स बर्थडे रहेंगे स्पेशल बर्थडे कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड, सारे टाइप्स के कार्ड्स बनाती हूँ। ये तो मेरा जस्ट एक इनकम सोर्स मैंने बना लिया था व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। नॉट जस्ट इनकम सोर्स माय बेबी, दिस इज अ बिग इनकम सोर्स एंड आई एम रियली अमेज्ड कि ये सारी चीजें, मतलब कार्ड्स मेकिंग, राखी एंड ऑल दिस थिंग्स, सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, सारी चीजें इटसेल्फ इज अ वास्ट सब्जेक्ट, और आप इतना सारा चीजें करती हो, उसके अलावा पढ़ाई भी करती हो। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है ग्रीटिंग स्माइल, मैंने मेरे बिजनेस का नाम है। उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको फॉलो श्योरली करना, आप अमेज हो जाएंगे उसकी क्रिएटिविटी देख के। नाउ टेल मी मोर अबाउट यू, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपके बारे में जानना, और क्या क्रिएटिविटी करते हैं? That's it, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या सीखना है आपको अभी क्या सीखना है? और कुछ एक दो टैलेंट आशा है? हाँ, हमारे साथ डांस कर लीजिए। डांसर हूँ मैं ऑलरेडी, मेरी 6 ट्रॉफीज है डांसर। That's really good, very nice. Which type of dance you do? नॉर्मल बॉलीवुड डांस, फ्री स्टाइल बॉलीवुड डांस, बट आई वॉज वन चाइल्ड इन द स्कूल दैट टाइम, मैं बहुत डांस वांस करती थी, हर चीज में पार्टिसिपेट करना, लाइक मेरा नाम तो कंपलसरी है कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है। एंथुसियास्टिक पर्सन लाइक। अब पेंटिंग्स वगैरह होते हैं तो पेंटिंग्स में बहुत सारी वैरायटी रहती है, चाको पेंटिंग रहती है, ये आप कौन सी कैनवास पे बनाते हो, कौन सी पेंटिंग्स बनाते हो? एक्रेलिक पेंट से पेंटिंग्स बनाती हूँ, and I use spray paint. You sell all this paint? No, not selling. You make for yourself? I make for yourself to teach the students. Okay, you take classes? आप उसके classes भी लेती हो? No, not in a school. But school में आप सिखाते हैं? School में ही बच्चों को सिखाते हैं। Okay, school में आपको बच्चों को सिखाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना, मतलब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। यस, बीच में मैंने इंस्टाग्राम में व्यूअर्स एक क्राफ्ट देखा था, यू नो, और उस क्राफ्ट में फैशन डिजाइनिंग के पेपर्स से यू नो कपड़े बनाते हैं, सो वो सब भी आप क्रिएटिविटी का, बिकॉज आप फैशन डिजाइनर भी हो, क्राफ्ट टीचर भी हो, सो बहुत बीच में कोई भी लेक्चर फ्री मिले या प्ले मिला, सो मैं बैठती नहीं हूँ कि हाँ स्टाफ रूम में जाके बैठ जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ चालू कर देती हूँ। हमारे व्यूअर्स को और मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला कि नॉट टू वेस्ट टाइम, हाँ हमेशा बड़े कहते थे कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ICS एंड यू आर यूटिलाइजिंग इट इन अ फुल फ्लेज, यू नो, बहुत अच्छी बात है, एक वक्त ही तो मिला है, वसूल कर। गुड गुड गुड, आप इतनी सारी चीजें करते हो तो आप यू नो बीइंग अ यंगस्टर, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, वो आप टाइम? मैं वो भी एंजॉय करती हूँ। आपके घड़ी में कितने घंटे रहते हैं, मतलब 24 आवर्स है? हाँ, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, रियली हॉनेस्टली मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, बिकॉज सबको लगता है लाइक शी हैज ईगो एंड ऑल, बट आई एम दैट्स रियली ओके, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप करते हो राइट, तो उसका कुछ आपके पास रहेगा ना कि ये एक यंत्र रहता है, या तो फिर जिस चीज आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिविटी होती है किसी के पास, ऐसा होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी मुझे पूछे तो मैं बोलती हूँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट करके सारी चीजें करती हूँ, तो व्हाट्स योर यंत्र के ये सारी चीजें क्यों कर पाते हो? पॉजिटिविटी है, कुछ स्लोगन है दिमाग में, कोई इंस्पिरेशन है, क्या है? पॉजिटिविटी बस करने की इच्छा है कि वो चीजें करके मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे लोगों को होता है कि बाहर जाकर खुशी मिलती है, मुझे मेरे कामों से बहुत प्यार है। ओके, तो मैं एंजॉय करने के लिए, मेरा मूड खराब हुआ तो भी मैं पेंटिंग करती हूँ, मेरा मूड अच्छा है तो भी मैं पेंटिंग करती हूँ। ओके, सो यू लव योर वर्क एंड यू लव टू डू ऑल दिस थिंग्स, दैट्स रियली वेरी नाइस। एंड ये फैमिली में यू नो योर मदर विल बी क्वाइट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू ऑल्सो, मतलब इतनी सारी चीजें करती है तो कभी कंप्लेन नहीं होती होगी ना बाकी सब लेके कि आप बाहर बहुत घूमते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते? नहीं नहीं नहीं। So how you are good in studies? Well, yes, I'm good in studies, not more than art. I'm very good in art. Okay. Less than in studies. मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जब आपने जब बीकॉम बोला ना तो बीइंग एन आर्टिस्ट लोग आर्ट्स में जाते हैं, व्हाई बीकॉम यू, आई मीन यू आर प्लानिंग समथिंग एल्स कि आपको बीकॉम ही क्यों करना है? मेरे घर का रूल है कि नहीं बीकॉम करना ही है, स्टडीज लाइक उनका है कि नहीं स्टडीज कंप्लीट करो, मैंने मेरे 12th के बाद 1 year गैप कर दिया कि मुझे बीकॉम नहीं करना है, बीकॉम मेरे फील्ड का नहीं है। हाँ राइट, बट बोलते नहीं तुम कर लो, वीजा चाहिए, ये चाहिए, एंड फिर मेरे फैमिली में सबने स्टडीज की है तो उनका एक रूल है कि नहीं, एंड मेरी दीदी बड़ी सीए है, सो
पहली बात बहुत सही है, दर्शक को मैंने भी देखा हुआ है कि स्टडीज में एक आर्टिस्ट रहता है तो वो खाली एक पेंटर, डांसर, फैशन डिजाइनर नहीं, आप एक प्रॉपर डिग्री लो, यूनिवर्सिटी से डिग्री लो, वो थप्पा होना चाहिए डिग्री का. या दैट्स ट्रू, पेरेंट्स फील लाइक कि ये होना चाहिए. और पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है, एंड देट विल बी यूजफुल. एंड एज यू आर गोइंग टू द बिजनेस, तो बीकॉम फाइनेंस के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. मुझे बिजनेस के लिए, हाँ, इट्स रियली यूजफुल. एंड व्हेन यू हैव एन कैपेसिटी, आप में कैपेसिटी होती है कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, तो आपको करनी चाहिए. सो ज्योति जी, आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा. व्यूअर्स, आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना भूलना मत, और आप पहली बार हमारा शो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा. बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को. नमस्कार.